ये बोलते हैं वहां से चलो। मैं जा रही हूं लॉन्ग कट। और ये देखिए ये जा रही है लॉन्ग कट। मैं क्यों कौन जा रहा है लॉन्ग कट? किसने बोला हम यहाँ से जा रहे हैं? मैं ब्रेड ब्रेव नहीं, उसने बोला मैं ब्रेड हूँ ब्रेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। आज मैं जाने वाली हूँ टेम्पल। एंड सबसे पहले अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसे आप देख रहे हो। यहाँ से मैं सबसे पहले जाऊँगी अपनी फ्रेंड के घर, उसे उठाऊँगी, देन हम दोनों जाएंगे मंदिर, और मंदिर का नाम है संतला देवी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं मंदिर के बारे में आपको एक स्टोरी भी बताऊँगी, वहाँ की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे चलती रहूँगी, मैं आपको धीरे धीरे स्टोरी भी बताती रहूँगी। तो स्टोरी सुन के जाना, बिना स्टोरी सुने मत जाना। सो लेट्स गो। पहुँच गई मैं इस पागल के घर। और यहाँ ये तैयार नहीं हो रखी है ये। मैं घर से लेट ही निकली, अब यहाँ पे रेडी होना है, उसके बाद हम चलेंगे चलेंगे मंदिर, उसके बाद दिखाएंगे आगे का रास्ता। थक गई मैं। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और मैक्सिमम हम पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं हम जंगल में आगे उसमें हैं। अभी हम पहुँचने वाले आर्मी एरिया में हैं। हम यहाँ पर पहुँचना अलाउड नहीं, इसलिए आगे पहुँच के बताती हूँ आपको। सो गाइस, हम यहाँ ये देखो कि हमारी पहुँच रही है और हम फाइनली पहुँचने वाले हैं। यहाँ घोड़े मिल गए हैं जो दिव्या इसमें बैठ कर अभी तोड़ने वाली है। उधर देखिए, थोड़ा ही दूर है शायद से, मैक्सिमम 2 किलोमीटर मंदिर के लिए। नहीं, जहाँ से पैदल जाना है वहाँ के लिए मंदिर तो अभी है, बहुत है। मंदिर लोग सुबह जाते हैं, हम दिन में जा रहे हैं। ये देखिए, अभी हम आपको जब वो रास्ते के एंड में पहुँच कर दिखाएंगे कि हम यहाँ से कितनी दूर आए और कितने ऊपर जाना है। तो देखो गाइस, जब हम यहाँ पुल में पहुँच चुके हैं, ये देख पुल हमारे पीछे, हम पुल के पीछे। सो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से होता है हमारा पैदल रास्ता स्टार्ट, और आई थिंक यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, 4-5? 5-6 है। ऊपर हमें भी नहीं पता कि यहाँ से कितना किलोमीटर, आई थिंक 3-4-5-6 कितना भी हो सकता है। इसकी अभी से हालत ख़राब हो चुकी है, अभी से मतलब अभी तो स्टार्ट ही है और अभी से सांस फूल रही है, क्योंकि एक तो सीमेंट का रास्ता, ऊपर से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई तो यहाँ पे तो अभी सिर्फ हम दो ही हैं। भगवान का नाम लेके चढ़ते हैं, क्योंकि हम बहुत लेट जा रहे हैं। तो बाकी लोग तो सब सुबह चले गए होंगे, हम जा रहे हैं दिन में। तो चलिए, गाइज वो नदी दिख रही होगी आपको। यहाँ पे लोग अभी पिकनिक मनाने आते हैं, इसमें पानी आता है लेकिन थोड़ा कम दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो इस नदी का नाम है नूर नदी। तो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ धीरे धीरे। एक तो सांस फूल रही है, और इतनी सांस फूल रही है कि स्टोरी भी हम धीरे धीरे बताएंगे धीरे धीरे जाते हुए। तो दोस्तों, संतला देवी का जो मंदिर है, वहाँ की जो स्टोरी वो है संतला माता और उनके भाई के ऊपर। तो माना जाता है कि संतला माता और उनके भाई यहाँ पे रह के हमारे हिंदू धर्म का प्रचार किया करते थे, और उस टाइम पे वहाँ पे मंदिर भी नहीं हुआ करता था। एंड वहाँ पे रह के वो कीर्तन भजन के द्वारा
अपने हिंदू राष्ट्र का प्रचार कर रहे होते। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे राज किया। देखो गाइस वहाँ पे और आगे जाना है हमें। हाँ ये है ना, यहाँ जाना है हमें भी। ये देखो आंटी लोग यहाँ पे थक चुके हैं और यहाँ मेरा भी हाल बुरा है, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ यार आज एक तो बसंत पंचमी है ना। हाँ, बसंत पंचमी ऊपर हाँ, हाँ। से बोलते हैं कि जब गर्मी स्टार्ट होती है तो बहुत धूप होती है, धूप भी बहुत होती है गर्मी है। और आज तो है ही, क्योंकि देखो हमने स्वेटर वेटर कुछ भी नहीं डाला हुआ, फिर भी इतनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ से इतना अच्छा दिख रहा है, देखो सब थक चुके हैं। कोमल को सच में मानना पड़ेगा, यहाँ भी इतनी सांस फूल रही है। सीमेंट का रास्ता होता है और ऊपर से इतनी तेज धूप हो तो सांस फूलना बनता है, इसलिए यहाँ पे सांस फूल रही है। लोग तो इतने आराम आराम से आ रहे हैं ना, देखो वो हमसे आ गए थे, हम उनको पीछे छोड़ दूँ। स्टोरी पे हम कहाँ पे थे, माता संतला और उनके भाई यहाँ पे धर्म का प्रचार किया करते थे। लेकिन जब मुगलों को ये पता चली तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, देन उन्होंने सोचा माता संतला और उनके भाई पे हमला किया जाए। लेकिन उन्होंने जब हमला किया और माता संतला और उनके भाई को लगा कि हम मुगलों से लड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया और वहाँ पे प्रार्थना करने लग गए। ये लड़की अच्छे से थक चुकी है तो आगे की कहानी अब मैं बताती हूँ। मैं रुक रुक के कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थकान लग रही है, सांस रुक रही है, इसलिए मैं आधा आधा करके ही बता रही हूँ। तो कहानी कहाँ पे रुकी थी, जहाँ पे संतला माता और उनके भाई ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। जब ये बात मुगलों को पता चली तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, क्यों ना माता संतला और उनके भाई पे हमला कर दिया जाए। देन उन्होंने क्या किया, पहाड़ के चारों तरफ से चढ़ना स्टार्ट कर दिया, माता संतरा और उनके भाई को घेर लिया। जैसे ही पहाड़ नज़दीक चढ़ते गए, जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर पहुँचे, अचानक से एक चमत्कारी उजाला हुआ, बहुत तेज़ प्रकाश हुआ, जो कि प्रकाश की रोशनी थी, वो सैनिकों की आँख में लगा और वो एक एक करके पहाड़ से नीचे गिरने लग गए। और उसी प्रकाश की वजह से माता संतला और उनके भाई पत्थर की मूर्ति में बदल गए, ऐसा माना जाता है। और ये स्टोरी मैंने भी कहीं से सुनी है, इसलिए मैंने सोचा जब मैं संतला देवी जा ही रही हूँ तो क्यों ना ये जानकारी मैं आपको भी दे दूँ। एंड उसके बाद भी क्या हुआ, माता और तो पत्थर में बदल गए, उसके बाद नहीं पता किसी को क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि शनिवार के दिन जो उनके भक्त हैं वो यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं, एंड जो सच्चे दिल से यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आती हैं या लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और एक कहानी मैंने और सुनी है, लेकिन वो स्टोरी भी नहीं कहेंगे, या शायद किसी ने बनाया है ऐसा, या सच में ऐसा होता है। कहते हैं कि यहाँ पे अनमैरिड कपल्स जो आते हैं उनका रिलेशन टूट जाता है, तो यहाँ पे जो कपल्स आते हैं वो मैरिड ही आते हैं, जो अनमैरिड आते हैं उनका रिलेशन टूट जाता है। तो यहाँ पे कभी भी कोई आए तो प्लीज़ कपल्स ना ही आए। और बाकी तो अभी हम आधे रास्ते में हैं ही, बाकी हम मंदिर में जाके दिखाएंगे कौन सी जगह पे क्या है। मैं भी पहली बार मंदिर जा रही हूँ और मेरी बोलने की हालत नहीं है, मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ। लेकिन इसमें पानी है, ये लो पानी पी लो। बारिश की हालत ख़राब हो चुकी है और मुझे लगता है अभी कुछ टाइम बाद मेरी भी हालत ख़राब होने वाली। लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है, लोगों ने यहाँ पे ये बैठने के लिए बनाया हुआ हर जगह पे, जहाँ पे छाया है, मतलब सही है। हर 10-12 कदम चल के आपको ये बेंचेस दिखेंगे और बैठ के, और रास्ता भी बहुत सारे, देखो सीमेंट का रास्ता है, पूरा रास्ता ऐसा ही है। जो पुराना रास्ता था वो थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है, लेकिन वहाँ पे जाने में थोड़ा कठिनाई भी होगी और मुसीबतें भी झेलनी पड़ेंगी,
तो जब भी यहाँ आए इस वाले ही रास्ते आए, टाइम बचाने के चक्कर में शॉर्टकट ना जाए हमारी तरह। हाँ, जिसको ब्रेकअप करने की चुल है, जिसको ब्रेकअप करना है वो यहाँ आ सकता है, मन्नत मांग सकता है। वैसे मन्नत भी मांगने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे आता है मैंने सुना है उनका लेसन टूट जाता है। मुझे नहीं पता ये कहानी प्रचलित है या लोगों ने ऐसी बना रखी है। बोलते हैं क्योंकि शायद से ये जो माता थी वो कुंवारी थी, आई थी, इसलिए शादी वाला जोड़ा आ सकता है। वैसे तो बोलते हैं सब, पता नहीं जितने लोग उतनी बातें। हाँ, तो चलो अब आगे का रास्ता हम आपको दिखाते रहेंगे। और वहाँ पे क्या खास है, वहाँ पे मंदिर है, हम पहले प्रसाद लेंगे। हाँ, पहले बलि चढ़ाई जाती थी, वो जगह भी है वहाँ पे पहले। हाँ, आई थिंक मैंने सुना है, मैं खुद पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने सुना है यहाँ पे पहले बलि चढ़ती थी, जो कि अब यहाँ पे बंद हो चुकी है, और ये शायद बहुत अच्छी बात भी है। तो अगर वो जगह वहाँ पे होगी, हाँ नारियल चढ़ते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा तो मैं आपको मंदिर की एक एक चीज़ दिखाऊंगी वीडियो में, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। इतनी मेहनत करके इतनी चढ़ाई पे इतनी धूप में हम आ रहे हैं, तो वीडियो स्किप करना तो नहीं बनता। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं आगे। ये हमारा एनर्जी बूस्टर निकल गया है और यहाँ खुशी देखो चेहरे पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फ्रूट पियेंगे, ये देखिए, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। पॉलीथिन ना गिराए यहाँ, अपने बैग में वापस ले जाए। वही तो देखिए, और लोग जा रहे हैं, बैग बहुत अच्छा सीन है। देखो यहाँ पे है कुआं जहाँ से लोग पीने के लिए पानी भर रहे हैं। इसमें पानी है भी, ये तो बहुत गहरा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तभी तो कह रही हूँ गहरा है। ये बहुत साल पुराना कुआं है। अब बोलो फिर से। ये बहुत साल पुराना कुआं है। आई थिंक इसी कुएं से पहले पानी पीते रहेंगे संतला माता और उनके भाई। ये है वो कुआं, कुएं के ऊपर कवर किया है आई थिंक इसलिए, ताकि उसमें पेड़ पौधों के पत्ते ना जाए। और आई थिंक अब थोड़ा सा ही बचा है, पर क्या करें, हम बहुत जल्दी पहुंच जाते, लेकिन ये माता थक गई है। ये माता बहुत स्लो है यार, हालत खराब है। मैं जूते उतार के चलूं? हाँ, वो तो और भी अच्छी बात है, मन्नत और अच्छे से मिलेगी, मन्नत मांगोगी तो अच्छे से पूरी होगी। सॉरी, सांस तो रुक रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कितने भीड़ है यार यहाँ पे। देखो इस लड़की को यहाँ पे सोना है। मंदिर की आवाज आ रही है, हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए गाइस, ये चुईया मेरा बैग लेके भाग रही है। एनर्जी बूस्टर, इसका एनर्जी बूस्टर। इस लड़की को मैंने वीडियो बनाने के लिए दिया, और ये कह रही मैं थक गई हूँ, मेरी बस की नहीं है, हालत खराब है इसकी। यहाँ से देखो थोड़े से बादल दिख रहा है ना, ओए वो बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। जैसे जैसे ये कह रही थी कि थोड़ा सा है, लेकिन मुझे लगता है ये रास्ता थोड़ा सा और घूम के जाएगा। ऐसा मत बोलो। मैं बना चुकी हूँ जूड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ काम चल रहा है, ये फुदकी गर्मी सा बना। देखिए अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर, फाइनली भगवान ने बुला लिया हमें अपने पास मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई से आए हैं हम लोग। ये हालत तो दिख रही होगी, मासूम बच्ची की हालत इसकी। इसकी देखो हम, अच्छा ये घंटी बजा लेते हैं, मेरा हाथ पहुँचेगा, ये पहुँच गया। ले लिया, अब हम जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर है उधर, बिजली बता रहा है, यहाँ काम भी चल रहा है अभी, और हम जा रहे हैं। और शायद से मंदिर के अंदर फोन नहीं चला सकते, तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ पूरा। ये देखिए
ये इसने प्रसाद ले रखा है। मैं चलती हूँ अंदर। देखिए ये पुराने घर का है, ये पंडित जी जा रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ बलि चढ़ाई जाती है। अभी जब जाएंगे तो अच्छे से दिखाएंगे। अभी हम अंदर जा चुके हैं तो फोन नहीं अलाउड है, तो सॉरी मंदिर तो नहीं दिखाया, लेकिन हम यहाँ पे अभी धूप बत्ती कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी पहले, जो ये देख रहे हो। इधर ना ब्लड जाता था, मतलब जैसे जानवर होते हैं जो हम भेड़ चढ़ाते हैं भगवान को, वो तो आजकल ये बंद कर दी गई है। ये देखे, ये काली माता की फोटो है। यहाँ बलि चढ़ाई जाती थी और यहाँ हम पूजा करेंगे। सो और वहाँ पे भी जाएंगे अभी हम, अभी दिखाते हैं अभी आपको। अभी हम पूजा कर लेते पहले। ये यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं। हमारा तो धागा और वो कलीरे वो धागा और चुन्नी वो अंदर ही चढ़ा दी थी। अभी हम यहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी मन्नत चढ़ते हैं और हमने प्रसाद भी डाल लिया, नारियल भी। हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट और हम मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं। और यहाँ से जो हम कोमल लेके आई है, व्यू देखो, व्यू दिखाएंगे आपको। व्हाट अ व्यू, क्या मजा आ रहा है यार। ये पूरे मंदिर का बैक साइड है, व्यू इधर से भी दिखाओ, इधर से जन्नत। ये देखिए पूरा यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बट यहाँ का व्यू देखिए आप। ये देखिए पूरा, हम वहाँ पे पार्टी करते हैं, हम न जाने कहाँ कहाँ पार्टियाँ करते हैं। बहुत मस्त व्यू है। सो अब अभी हम थोड़ी बहुत फोटोज खींचेंगे। हम अभी ऊपर चढ़ चुके हैं इसके, और क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, धूप की वजह से थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन यार यहाँ से बहुत प्यारा नज़ारा है। मंदिर के चारों तरफ देख ही लिया होगा। तो मंदिर से नीचे उतर गया, मतलब हमारे लिए कुछ चुनौती सामने है ऊपर तो। सुहाना सफर और ये हम अब नीचे जाते हुए देखते हैं कि आराम से नीचे देख के लुढ़को। अगर मैं यहाँ से लुढ़की ना, मैं शॉर्टकट पहुँचूंगी 3 किलोमीटर ठीक नीचे मेन रोड में। सच में यार यहाँ पे बहुत
पता ऊपर चढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं हुई जितने हमें हाँ। नीचे उतरने में होगी। ऊपर चढ़ने में दिक्कत नहीं बोला, नीचे तो हम मजे से उतरेंगे जैसे जाते नहीं है। अरे मैं वही तो कह रही कि नीचे किधर गई ना, मेरे पास क्या क्या पड़ा है, कोल्ड ड्रिंक, पानी, फोन, मेरे पास तुम्हारे पास क्या? ये मंदिर है, ये हम हैं गाइस, हम जा रहे हैं घर। नीचे उतरने में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो थोड़ा ऐसा तिरछा तिरछा है, इसलिए अगर ये लुढ़की ना, ये यहाँ कहीं नहीं रुकेगी, इस नीचे नूर नदी में जाके रुकेगी सीधे। कहाँ छुपी ये हमारी कद्दू, अगर मैं गिर भी गई ना मैं लकड़ी की तरह यहीं पे फंस जाऊंगी क्योंकि मैं पतली हूँ ना। ये लो तुम पकड़ो, ये हवा से उड़ती भी जाएगी, ये हवा से उड़ती भी जाएगी गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं इससे आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा फ़ोन होने वाला है ऑफ़ और मैं पावर बैंक लेके भी नहीं आई हूँ। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, आई थिंक हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ से नीचे उतरने में, लेकिन आज हमें मज़ा बहुत ज़्यादा है, हम दोनों ने बहुत मस्ती की। देखो उसके हाथ में प्रसाद के थैले हैं, हम वहाँ से प्रसाद उठा के लाए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम ऐसी नई नई ब्लॉग्स आपके लिए लेके आएंगे। थक गई।